खबर बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ, बेनामी संपत्ति को लेकर मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जा रही है। 10 घंटे से ज्यादा मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई, उसकी बेनामी संपत्तियां कितनी है ये जानकारी जुटाई जा रही है। आपको याद होगा पिछले काफी वक्त से उत्तर प्रदेश सरकार जो माफियाओं की संपत्ति है उसे गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल कर रही है, और ऐसे में माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को लेकर यह पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात यह है कि 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई और कब्जा कर हथियाई गई जमीनों को अब सरकार जो है मुख्तार अंसारी से छुड़वाने की कोशिश कर रही है। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। मनीष, 10 घंटे तक पूछताछ हुई है मुख्तार अंसारी से, क्या जानकारी से लेकर? देखिए, लगातार अब मुख्तार के सहयोगियों से पूछताछ चल रही थी। गणेश चंद से पूछताछ की गई थी, उसके जो 12 करोड़ से जो जमीन खरीदी गई थी, 50 करोड़ की एक जमीन खरीदी गई थी, उन सभी मामलों में मुख्तार के सहयोगियों से पूछताछ चल रही थी। कुछ कार्रवाइयां भी हुई थी और उसी कड़ी में नोटिस देकर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को बुलाया गया था। लखनऊ गाजीपुर के पतों पर नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अफसा अंसारी जो कि फरार चल रही है पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही और पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। ऐसे में कल आईटी की टीम मुख्तार अंसारी से मिलने दादा जेल पहुंची, वहां कई घंटे की पूछताछ हुई है। 125 करोड़ का जो मामला है उस मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई है। हालांकि मुख्तार सवालों के जवाब देने से बचता रहा, सवालों को घुमाता रहा है अफसा अंसारी के बारे में। लेकिन सवाल यही है मनीष कि वो कब तक इन सवालों से बचेंगे? एक ना एक दिन हर चीज का, हर सवाल का जवाब देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष।